नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमपी पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और इस दौरान प्रदेश में निक्कर पॉलिटिक्स तेज है। प्रदेश के बड़े नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं तक की जबान में निक्कर शब्द एकदम ऐसे गूंज रहा है जैसे वह मध्य प्रदेश की राजनीति की शब्दावली का सबसे उच्च शब्द बन गया हो। दरअसल पूरा मामला कमलनाथ के उस बयान के बाद शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने बयान दिया था कि वीडी शर्मा जब निक्कर पहनना भी नहीं सीखे थे तब से मैं राजनीति कर रहा हूं, तब से मैं राजनीति में हूं, जिसके बाद पूरी बीजेपी उन पर टूट पड़ी है और बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर छुटभैये नेता तक कांग्रेस पर कमलनाथ पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में अब एक और नाम बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का जुड़ गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने शहर में मीडिया से बात करते हुए यह कहा कि कमलनाथ पैजामा पहनकर तो पैदा नहीं हुए थे, कमलनाथ ने भी बचपन में निक्कर पहनी होगी, कमलनाथ ने भी बचपन में चड्डी पहनी होगी। इसलिए नेताओं को अपने बयान देते समय मर्यादा, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे से नजरें मिला सके, ऐसा कहना था कैलाश विजयवर्गीय का। तो वहीं दूसरी तरफ रैगांव में वे एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज निक्कर पहनने वाले देश को, प्रदेश को एक अच्छा शासन दे रहे हैं, सक्षम शासन दे रहे हैं, तो कमलनाथ को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे शासनकाल के दौरान गरीबी गरीबी करती रही लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में निक्कर पॉलिटिक्स तेज है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक निक्कर के मामले पर एक दूसरे पर हमलावर हैं और बीजेपी तो निक्कर को लेकर पूरी तरह से एग्रेसिव है और वो हर विधानसभा के उपचुनावों में, तीन विधानसभा और एक लोकसभा का उपचुनाव है, वो जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां कमलनाथ के निक्कर वाले बयान को, निक्कर वाली जो पॉलिटिक्स है उसको जनता के सामने ला रहे हैं। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।